तो बड़ी खबर बागपत से मिल रही है। आपको बता दें कि सपा के प्रत्याशी ने एक दलित परिवार पर हमला किया है, वोट न देने दबंगों का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें वोट न देने पर समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी के गुंडों ने दलित परिवार पर हमला किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस हमले के दौरान महिलाओं को भी इन गुंडों ने नहीं बख्शा है, महिलाएं भी शामिल थी। परिवार में कई सदस्य शामिल थे जिनको मारा पीटा है और 3 लोगों की घायल होने की खबर अब तक मिल रही है। दलित परिवार ने प्रत्याशी अभिधान पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के बाघू की ये घटना है। विश्वजीत चौधरी संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विश्वजीत, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए स्वाति, यहाँ पर बागपत में जो जिला पंचायत का चुनाव था, जो यहाँ सपा के नेता है बिल्लू प्रधान रहे थे, उन्होंने उसी से छुप्त होकर जो देर रात में दलित परिवार था उस पर अपने कुछ गुर्गों से हमला करवाया। उनका सीधा सीधा आरोप है कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि हमने बिल्लू प्रधान को वोट नहीं दिया और वो हमें दबाव के चलते चाहते थे कि उन्हें वोट दी जाए। तो क्या माना जाए विश्वजीत, कहीं ना कहीं जो दलित परिवार है उनमें दबाव बनाने की एक कोशिश की जा रही थी वोट को लेकर? देखिए स्वाति, जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के लोग जुड़े हुए हैं तो दबाव तो निश्चित ही होगा। अभी कल ही का मामला आप ले लीजिए, कलेक्ट्रेट में एक बड़ा हंगामा हुआ, हालांकि उसका अब तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव के चलते पूरा का पूरा मामला डोल मोल रहा है बागपत में। जी स्वाति, जाहिर सी बात है जिस तरह से कहीं ना कहीं सत्ता की हनक साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिस तरह से दलित परिवार की महिलाओं को भी मारा पीटा गया है, इन दबंगों ने मारा पीटा है, अब प्रशासन की कार्यशैली क्या नजर आ रही है, किस तरह से कार्रवाई होती नजर आ रही है?